Hey everyone, welcome to Shum's IAS. My name is Shivangi Sharma and here I am with your third chapter of class 10th history, which is the making of a global world. So देखो चैप्टर के टाइटल से आपको क्या समझ आता है, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब एक ग्लोबल यानी इंटरकनेक्टेड, जब पूरी दुनिया आपस में इंटरकनेक्ट हो गई, जब ये सब कुछ हो रहा था, दैट वॉज द टाइम द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. वर्ल्ड जो है वो ग्लोबली कनेक्ट हो रहा था, ठीक है. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड सो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, जब भी हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में सुनते हैं या फिर उसके बारे में बात करते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें याद आती है जो कि मतलब लास्ट 50 सालों में हुआ या उससे ज़्यादा. बट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे पूरी दुनिया बहुत पहले से ही कनेक्टेड थी थ्रू ट्रेड, माइग्रेशन. लोग माइग्रेट करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है. मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी मूव करती थी, ठीक है, जगह से जगह. लोग इन्वेस्ट करने के लिए भी अलग अलग जगह जाया करते थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, ठीक है. सो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारी लाइफ ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, राइट. बहुत सारे हमें विजिबल साइंस देखने को मिलते हैं कि हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा जो है कनेक्टेड है. जैसे हमें पता होता है कि इम्पोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं, ये भी वो होता है, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है. उसके अलावा इंटरनेट, आप इंटरनेट यूज़ करते हो, सो इंटरनेट से आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कनेक्टेड हो, ठीक है. सो एंशियंट टाइम से ही जो ट्रेवलर्स थे, ट्रेवलर्स को बोलते हैं, ट्रेवलर्स वो लोग होते हैं जो जगह जगह घूमते हैं, ठीक है. ट्रेडर्स थे यानी कि व्यापारी थे, और जो प्रीस्ट थे यानी कि पुजारी थे, और जो भी पिलग्रिम्स थे वो काफ़ी लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, ताकि उनका मेन मोटिव उसके पीछे का होता था उनके स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है. मतलब अपने अंदर के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपना जैसे मेडिटेशन हो गया, इन सारी चीज़ों का उनका मेन मोटिव होता था कि वो अपना अपने अंदर झांक के उनको पता चले कि वो किस वो क्या है. और मतलब कुछ टाइम के लिए वो पूरी जो दुनिया की मतलब जो बोल सकते हो आप, वो अलग हो जाते थे कुछ टाइम के लिए, मतलब अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है. सो वो अब इतना लंबा लंबा सफ़र कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके जाते होंगे. जैसे आप कभी ट्रैवल करते हो तो अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें लेके जाते हो. वो क्या लेके जाते थे, डैट वो मनी, वैल्यूज़, अपने आइडियाज़ शेयर करते थे वो, ठीक है, स्किल्स, इन्वेंशंस, नई तरीके. लोग देखते थे कि हाँ ये क्या है, इसके पास क्या है, ये क्या चीज़ है, ऐसे ऐसे इन्वेंशन भी फैला. और जर्म्स और डिजीजेस भी जाती थी लोगों के साथ, ठीक है. उस टाइम पे अगर हम देखें तो जो ट्रेड करने के लिए जो करेंसी होती थी, वो जो काउरीज होती, यानी कि जो सी शेल होते, जो कौड़ी हम हिंदी में बोलते हैं, वो उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, ठीक है, जो कि मालदीव्स में मिलते थे और मतलब चाइना और ईस्ट अफ्रीका हर जगह ही मिला करते थे, ठीक है. सो 13th सेंचुरी में मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस था उसमें काफ़ी सारे जो डिजीज़ कैरिंग जर्म्स थे वो भी ट्रेस किए गए इन 7th सेंचुरी, ठीक है. सो 13th सेंचुरी में ये बहुत ही एक अनमिस्टेकेबल लिंक बन चुका था, ठीक है. सो सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड. सो अब यहाँ पे एक बात मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ, सिल्क रूट्स, रूट्स है, प्लूरल में है, तो एक रोड नहीं है, ये काफ़ी सारी रोड्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जो है वो रूट्स हैं. ये एक रोड के बारे में नहीं हम बात करने वाले हैं, दे आर मैनी ऑफ देम, ठीक है. सो सिल्क रोड एक काफ़ी गुड एग्जाम्पल है, प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल लिंक था वो इनसे काफ़ी ज़्यादा वो होता था, ठीक है. सिल्क रूट्स का नाम सिल्क रूट इसीलिए पड़ा क्योंकि इस टाइम पे ना चाइना जो चाइनीज़ थी वो मतलब चाइनीज सिल्क था वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ट्रैवल किया जाता था बाय कार्गोस अलोंग दिस रूट, ठीक है. सो हिस्टोरियंस ने काफ़ी सिल्क रूट्स को आइडेंटिफाई करा है, लैंड से भी, सी से भी, ठीक है, जो कि एशिया के काफ़ी सारे रीजन में है, जो कि एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से जोड़ता है, ठीक है. सो ये जो क्रिश्चियन एरा है उनसे भी पहले के हैं लोग, ऐसा हिस्टोरियन ऐसा बोलते हैं, ठीक है. और हो सकता है कि ये
मतलब क्रिस्टन जो क्रिस्टन एरा के पहले से भी 15 सेंचुरी तक ये हुआ करते थे, ठीक है। चाइनीज पॉटरी थी वो भी इसी सेम रूट से जो है वो ट्रैवल किया करती थी, इंडिया के स्पाइसेस और साउथ ईस्ट एशिया के स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स, ठीक है। और गोल्ड बदले में जो है उनके उनके पास गोल्ड और सिल्वर आ जाता था, ठीक है, जो यूरोप से एशिया में आता था बाय द सेम रोड, ठीक है, एक ही सेम ही रोड से, दैट वर सिल्क रूट्स, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ चीज़ें ही नहीं, उसके अलावा सिल्क रूट से जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, जो मुस्लिम प्रीचर्स होते थे, बुद्धिस्ट होते थे, ये सारे सिल्क रूट की मदद से ही जो है ट्रैवल किया करते थे और अपने अंदर की अपने जो धर्म है उनको और ज़्यादा प्रसार उनका प्रसार किया करते थे, ठीक है। फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो, साथ साथ में जैसे जब लोग ट्रैवल कर रहे थे तो ऑफकोर्स वो खाने के लिए साथ में खाना भी तो लेके जाएंगे, तो साथ साथ में फूड भी ट्रैवल करता था, ठीक है, और लोगों को काफ़ी नई नई चीज़ें पता चल रही थी, ठीक है। सो फूड्स जो फूड ऑफ है वो एग्जाम्पल है लोग डिस्टिंक्ट कल्चरल चेंज का, ठीक है। और जैसे जो ट्रेडर और ट्रेवलर्स है वो नए नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है। इवन आज भी जो भी फूड स्टफ जो हम लोग खाते हैं वो इंडियंस को तो पता ही नहीं था और काफ़ी लोगों को नहीं पता था, बाहर वाले लोग जो है वो जो ट्रैवलर्स थे वो लेकर आए। जैसे अगर हम नूडल्स का और स्पैगेटी का एग्जांपल ले, सो ये माना जाता है कि नूडल्स जो है वो चाइना के वेस्ट से आया था और इधर आकर जो है वो स्पेगेटी बन गया था, ठीक है। पर हाँ, जो अरब ट्रेडर्स है वो पास्ता लेकर आए थे 15 सेंचुरी में सिसिली को, ठीक है, और सिसली एंड आयरलैंड नो एंड इटली, ठीक है। जब पास्ता नूडल्स है पहले उनको नूडल्स बोला जाता था, बाद में जब वो चाइना में आई तब उनको स्पेगेटी बोला, मतलब चाइना से ट्रेवल किया करते थे उनको और वो जो है स्पेगेटी बन गई, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे फूड है जो इंडिया और जापान को नहीं पता था बट वो बाद में मतलब उनके ओरिजिन्स कहाँ से है वो अभी भी नहीं पता, जैसे पोटैटोस, सोया ग्रानोट्स, मेस, टमाटो, चिली, स्वीट परेरो, और ये सारी चीज़ें जो है ये आज से लगभग 5 सेंचुरीज अगो तक तो हम लोगों को पता ही नहीं था। अगर आज से अगर हम 500 साल पहले देखें तो पोटैटो, चिली, टमाटो जैसी चीज़ भी जो है वो इंडियन खाने में और काफ़ी सारे खानों में नहीं हुआ करता था, लोगों को इन बारे में नहीं पता था, ठीक है। वो तो जब क्रिस्टोफर कोलम्बस एशिया मतलब उन्होंने यूरोप और एशिया को डिस्कवर मतलब उन्होंने जब वो यूरोप और एशिया में ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने गलती से अमेरिका को जो है वो मतलब डिस्कवर कर दिया, और उस टाइम पे अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन द करीबियन में डिवाइड किया गया था, ठीक है। सो इधर अमेरिका जो है तीनों को मतलब किन किन को नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और करीबियन को जो है वो डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। सो उस टाइम पे लोगों ने देखा कि उधर तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, तो वहाँ से जो है काफ़ी कॉमन फूड जो है वो अमेरिकन ओरिजिनल से आया है, ठीक है। कभी कभी कुछ नई क्रॉप्स आती थी तो वो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस बना देती थी लाइफ और डेथ का, जी हाँ। जैसे जो यूरोप के पुअर थे उन्होंने ना पोटैटो को बहुत ही ज़्यादा खाना शुरू कर दिया कि जो भी हम पोटैटो ही खाएंगे, ठीक है। और आयरलैंड के जो पुअरेस्ट पीजल्स थे ना वो पोटैटोज पे ही डिपेंडेंट हो गए, लोग और कुछ उगाते ही नहीं थे, सिर्फ आलू ही उगाया जाता था क्योंकि आलू खाना ईजी था और उस साथ में टेस्टी भी था। तो पूरे का पूरे यूरोप में, पूरे का पूरा आयरलैंड अगर हम बात करें तो आयरलैंड में सिर्फ और सिर्फ हर जगह पोटैटो ही था। और मिड 1840s में ऐसा फेमाइन आया, ऐसी डिजीज़ आई कि सारी पोटैटो जो है वो पोटैटो की खराब क्रॉप ख़राब हो गई, और जबकि कुछ और उगाया नहीं था लोगों ने, तो उस टाइम पे जो है बहुत लाखों में लोगों की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, ठीक है, भुखमरी के कारण। कॉन्केस्ट डिजीज एंड ट्रेड, देखो जो यूरोपियन सीलर्स थे उनको सी रूट मिले एशिया से, और फिर उन्होंने वेस्टर्न ओशन को भी क्रॉस किया और अमेरिका में चले गए, ठीक है। उस टाइम पे अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स थे, मिनरल्स थी, ठीक है, सारी अमेरिका से जो है वो उस टाइम पे उगाई जाती थी, ठीक है। देखो अमेरिका उस टाइम तक लोगों से अलग था, रिजर्व था, किसी को अमेरिका के बारे में नहीं पता था, ठीक है। उस टाइम पे जो जब अमेरिका डिस्कवर करा था वहाँ पे इतने सारे प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर और ऐसी बहुत सारी सारी चीज़ें जो है वो यूरोप इसमें मिलने लगी
अमेरिका में, जिसकी वजह से यूरोप की वेल्थ और ज़्यादा एनहेंस हो गई और एशिया के साथ इसका ट्रेड जो है वो फाइनेंस भी हो गया, ठीक है, मतलब फाइनेंस का वो सोर्स बन गया था। तो काफ़ी ऐसे एक्सपीडिशंस थे जो कि एल दोरादो ने ढूंढे, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, मतलब एल दोरादो में इतना सारा सोना था कि उसे द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड भी बोला जाता था, ठीक है। जो पोर्तुगीज द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट थे उन्होंने एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, उसकी वजह से मिड 16 में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होने लगी, ठीक है, इफेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट उस टाइम पे देखो, जब पोर्टुगीज़ और स्पेनिश आए अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए, तो उन्होंने जब लड़ाई करी उन्होंने एक भी वेपन को यूज़ नहीं किया। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अमेरिका उस टाइम पे अलग था, वहाँ के जो लोग थे वो सिर्फ अपने ही जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उन्हीं के साथ रहते थे, ठीक है, और उनकी जो इम्यूनिटी थी वो किसी भी बाहर की डिजीज़ या बाहर की किसी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, बहुत ही उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। और जब स्पेनिश और पोर्टुगीज़ आए अमेरिका में तो वो बहुत सारे अपने साथ बीमारी भी लेकर आए, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, और उस टाइम पर जो बहुत लाइक डेडली किलर हो गई थी ये बीमारी, और बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में जो है लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है, उस टाइम पर। और इन्होंने जो भी कम्युनिटीज थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई और यूरोपियन वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। 19th century में पॉवर्टी, हंगर बहुत ही कॉमन हो गया था यूरोप में, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप की जो पॉपुलेशन है वह बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और जो डिजीज़ थी वो भी फैल रही थी। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए थे, और भी मतलब जो भी रिलीजियस डिसेंटर्स वो लोग होते हैं जो रिफ्यूज़ करते हैं किसी भी बिलीफ, जो बहुत टाइम से जो बिलीफ या प्रैक्टिस जो है वो सेटअप की गई होती है, एस्टेब्लिश की हुई थी, उनको नहीं मानते हैं, ठीक है। वैसे 18th century में चाइना और इंडिया वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में से एक थी, ठीक है। हाउएवर 15th century में चाइना ने खुद को आइसोलेशन में डाल दिया, अपने सारे ओवरसीज कॉन्टैक्ट तोड़ दिए, अपने सारे सिल्क रूट्स तोड़ दिए और आइसोलेशन में चले गए, ठीक है। चाइना ने बहुत ज़्यादा रोल कम कर दिया, और अमेरिका का जो इम्पोर्टेंस है वो ग्रेजुअली बढ़ता गया, और वो फिर जो भी वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर है वो वेस्ट की तरफ चल गया, यानी कि अमेरिका की तरफ चला गया, ठीक है। सो यूरोप अब जो है एक होल ट्रेड का एक सेंटर की तरह एमर्ज हो चुका था, ठीक है। अब हम देखते हैं 19th century, यानी कि 1815 से लेके 1914, ठीक है। 19th century में जो दुनिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, चाहे वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो, इकोनॉमिकल या वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, या वो सोशल फैक्टर्स हो, या वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशलिज़म या टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, सभी की वजह से सोसाइटीज़ में चेंज आ रहे थे, और जो भी एक्सटर्नल रिलेशंस थे उनमें जो है वो चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिस्ट ने 3 टाइप के मूवमेंट या फ्लोज को आइडेंटिफाई करा इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंजेस के टाइम पे। फर्स्ट वाज द फ्लो ऑफ ट्रेड, ठीक है, क्योंकि 19th century में गुड्स का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सेकेंड था फ्लो ऑफ लेबर, लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की तलाश में माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। थर्ड था मूवमेंट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लोग जो है इन्वेस्टमेंट के लिए लंबे डिस्टेंसेस कवर कर रहे थे और दूर जाके जो है वो कर रहे थे अपना इन्वेस्ट, ठीक है। अब वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे शेप आने लगी, कैसे उनको एमर्ज होने लगी बेसिकली, ठीक है। सो अ गुड प्लेस टू स्टार्ट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इंडस्ट्रियल यूरोप। ट्रेडिशनली जो भी लोग मतलब ट्रेडिशनली यानी कि पुराने टाइम पे जो कंट्रीज थी वो चाह रही थी कि फूड के मामले में हम लोग सेल्फ सफिशियंट हो, चाहे जो भी हो जाए फूड के मामले में, तो हम लोग सेल्फ सफिशियंट हो गए, हमें किसी से भी कुछ मांगने ना पड़े, बिकॉज फूड अगर मतलब अगर फ्रूड होगा तो मतलब बाहर से कम इम्पोर्ट आएगा, और कभी ऐसा ना हो कि बाहर वाले बंद कर दे, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी कमी आएगी, ठीक है, कम हो जाएंगी ये चीज़ें, थोड़ी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी लेट 18th century में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो है फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ रही थी, ठीक है।
ये जो इतना प्रेशर आ रहा था लैंडेड ग्रुप से, तो गवर्नमेंट ने मतलब इस टाइम पे जो ग्रेन के प्राइसेस है वो भी ज़्यादा बढ़े, जैसे हमने पढ़ा है कि जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो चीज़ों की प्राइस भी बढ़ जाती है, ठीक है। जो इतना प्रेशर था लैंडेड ग्रुप से, गवर्नमेंट ने कौन का जो इम्पोर्ट्स है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया और लॉज अलाउ करे, ताकि गवर्नमेंट जिनको कॉर्न लॉज बोला जाता था, ठीक है। जब इतने फूड प्राइसेस इतने हाई हो गए, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो भी अर्बन ड्वेलर्स थे, उन्होंने उन्होंने फोर्स करा गवर्नमेंट को कि कॉर्न लॉ को हटाया जाए। कॉर्न लॉ हटा दिया गया, अब फूड जो है वो इम्पोर्ट हो सकता था ब्रिटेन में, सॉरी, ठीक है। अब बाहर में जो फूड प्रोड्यूस हो रहा था, बाहर वाली कंट्री में, वो जो है वो ब्रिटेन में आ सकता था, ठीक है। तो फूड की जो अमाउंट है वो चीप हो गई थी, कम हो गई थी उस टाइम पे। काफ़ी अब जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड छोड़ी जाने लगी, हज़ारों में मैन और वुमेन्स वो काम से बाहर फेंक दिए गए, ठीक है। काफ़ी बड़ा बड़ा जो फ्लॉक था वो सिटीज़ में आ गए, उन्होंने ओवरसीज जो है वो माइग्रेशन शुरू कर दी, ठीक है। जैसे ही फूड के प्राइसेस बढ़े, कंजप्शन बढ़ गया ब्रिटेन में, ठीक है। तो मिड 19वीं सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था ब्रिटेन का, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, और काफ़ी ज़्यादा जो है इनकम लोगों को मिलने लगी थी, ठीक है। और ज़्यादा जो है फूड इम्पोर्ट हो रहे थे अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया। जो लैंड्स थी उनको फूड प्रोडक्शन उनको क्लियर किया जा रहा था, और फूड प्रोडक्शन एक्सपेंड की जा रही थी, ताकि ब्रिटिश डिमांड को मीट किया जा सके, ठीक है। जो भी ब्रिटिशर्स डिमांड करे वो पूरी हो। तो सिर्फ लैंड जो है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं खाली की जा रही थी, लैंड को खाली करने के पीछे का एक और रीज़न था, डैट वॉज रेलवेज। रेलवे सेटअप किए जा रहे थे, ठीक है। और मतलब जो भी एग्रीकल्चर रीजन्स है उनको पोर्ट्स तक जोड़ा जा रहा था, और जिसकी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी अब कल्टिवेट हो रहे थे, और लोग मतलब तो लोगों ने भी घर वगैरह बनाने शुरू कर दिए, सेटलमेंट करनी शुरू कर दी, ठीक है। जो एक्टिविस्ट थे वो बदले में उनको कैपिटल और लेबर जितना उनको चाहिए था उतना दिया करते थे, ठीक है। कैपिटल जो थी वो लंदन जो कि फाइनेंशियल सेंटर था वहाँ से फ्लो की जाती थी, और लेबर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और लेबर की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो लोगों ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा माइग्रेट करा, नियरली 550 मिलियन पीपल वो यूरोप से अमेरिका में गए और फिर ऑस्ट्रेलिया में गए 19वीं सेंचुरी में, और पूरी दुनिया में ये सेम चीज़ जो है वो 150 मिलियन में हो चुकी थी। लोग अपने घर छोड़ के ओवरसीज सी को क्रॉस कर रहे थे, ओशंस को क्रॉस कर रहे थे, और जो है बेटर फ्यूचर की तलाश में बड़े बड़े डिस्टेंसेस कवर कर रहे थे, ठीक है। दस बाई 1890 जो गवर्नमेंट जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी उसको थोड़ा थोड़ा शेप मिलने लग गया, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स चेंज थे लेबर लेबर मूवमेंट पैटर्न्स में, और जो कैपिटल फ्लो थे, इकोलॉजीज थे, और जो टेक्नोलॉजीज थी, इन सभी में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे थे, ठीक है। फूड अब पास वाली जगहों से नहीं आता था जैसे पहले आया करता था, जब कंट्री बोलती थी कि हमें सेल्फ सफिशियंट हो रहे हैं। अब बाहर वाली कंट्री जो है वो दूसरी वाली कंट्री को खाना भेजा करती थी, तो मतलब पास से नहीं आता था, माइल्स अवे से जो है वो खाना उस टाइम पे आया करता था, ठीक है। ये रेलवेज भी जो है उस टाइम पे बन रही थी, तो रेलवेज हो गए, शिप्स हो गए, ये सारे बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे इंक्रीज हो रहे थे, और खाना और जो चीज़ें वो इन्हीं से जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती थी, ठीक है। फूड एक एग्जाम्पल है, वैसी और ही ज़्यादा स्टोरी हमें देखने को मिलती है कॉटन में, और क्योंकि जिसका कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, बढ़ रहा था, ताकि ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स को जो है वो मिल सके, कॉटन मिल सके, ठीक है। और रबर रबर भी हो उसकी, उसमें भी जो रीजनल स्पेशलाइजेशन है, उनकी भी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। 1820 और 1914 के बीच में जो वर्ल्ड ट्रेड है वो एक वर्ल्ड ट्रेड जो है वो 25 से 40 टाइम तक जो है वो मल्टीप्लाई हो चुका था। नियरली 60% जो ट्रेड है वो प्राइमरी प्रोडक्ट से ही आया करता था, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जैसे कि वीट, कॉर्न, मिनरल्स, जैसे कि कॉर्न। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, जैसे रेलवे स्टीमशिप्स थी, टेलीग्राफ था, और जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे वो एक इमेजिनेशन के बिना तो नहीं हो सकता है, और वो इमेजिनेशन को अगर हमें इनिशिएट करना है, उसमें काम करना है, तो हमें जो है वो इसकी ज़रूरत है, किसकी, ट्रांसपोर्ट
टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत इसलिए थी, हमें और भी पढ़ेंगे। देखो 1870s तक एनिमल्स जो है उनको भी मतलब खाने के लिए या काटने के लिए जो है वो ट्रैवल किया जाता था। सो होता क्या था कि शिप जिंदे ही जानवरों को शिप से वो भेजा जाता था दूसरी कंट्रीज़ में, बट जो जिंदा जानवर थे वो ज़्यादा जगह घेरते थे, ठीक है। कुछ जो है वहीं पे मर जाया करते थे, कुछ बीमार हो जाते थे, कुछ की वेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता था जिसकी वजह से वो खाने के लिए अनफिट हो जाते थे, ठीक है। सो वहाँ पे जो एक्सपेंसिव लग्जरी थी वो यूरोपियन प्योर की बहुत ही ज़्यादा रीच थी, मतलब रीच के बहुत ही ज़्यादा दूर थी। सो बेसिकली क्या था कि जब रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा था मीट का, तो जो रिच पीपल है वही मीट और नॉनवेज खा सकते थे, पुअर पीपल नहीं खा पा रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर शिप्स को डेवलप किया गया जिसकी वजह से जो अब जानवरों को मार कर उनका जो मांस है उन्हीं को बेचा जा रहा था, ठीक है। सो उस टाइम पे फ्रोजन मीट को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया था यूरोप में, और जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई थी और मीट का प्राइस भी जो है वो यूरोप में कम हो गया था, ठीक है। लेट 19th century कलोनलिज्म, सो ट्रेड बढ़ रही थी, मार्केट एक्सपेंड हो रही थी लेट 19th century में, बट इस टाइम पे सिर्फ ट्रेड ही नहीं एक्सपेंड हो रहा था जबकि प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज हो रही थी। ये इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि हर एक प्रोसेस की डार्क साइड भी होती है और इसकी भी थी, ठीक है। मतलब दुनिया की काफ़ी जगहों पे जो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड है और रिलेशनशिप जो क्लोज हो रहा था, इसकी वजह से लोगों की फ्रीडम और लिवलीहुड जो है वो छिन रही थी, ऐसा लोगों को लग रहा था, ठीक है। लेट 19th century में जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल चेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से जो कॉलोनाइज सोसाइटी है उनको बुलाया जाता है, ठीक है। उस टाइम पे यूरोपियन पावर इन अफ्रीका ड्रू अप द बॉर्डर्स एंड डेमोक्रेटिक देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, ठीक है। जो यूरोपियन पावर्स थे वो अफ्रीका में भी चले गए और उन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज बना दी और खुद में जो उनको बांट दी। इन नेटिव फॉर्म में जो बड़ा यूरोपियन पावर्स था वो बर्लिन से मिल गई जिसकी वजह से वो अफ्रीका में जो कार्विंग है वो बंद कर पाए ईजीली, ठीक है। रिंडरपेस्ट एंड द केटल प्लेग, सो अफ्रीका में 1890s के टाइम पे केटल प्लेग नाम की एक काफ़ी डिजीज़ जो है वो काफ़ी हाई अमाउंट में, हाई मतलब रेशो में और काफ़ी फास्ट जो है वो फैल रही थी, ठीक है। ये एक गुड एग्जांपल था कैसे कैसे वाइड स्प्रेड होता है किसी भी यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट का कॉलोनाइज सोसाइटी पे, ठीक है। सो हिस्टोरिकली अफ्रीका में बहुत सारी मतलब कम पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है, और वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क टोन थे। सो अफ्रीकन लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो जॉब में लगाया गया और उनको बोला गया ना तुम्हारे पास सुई होगी ना तुम्हें कुछ मिलेगा, तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो और लोगों को उनको ऐसा बोलते थे कि अगर भी तुम कुछ करोगे तो तुम्हें भी जो है तो थोड़ी वेजेस मिल जाया करेगी, ठीक है। लेट 19th century में यूरोपियंस में अटैक हुआ, मतलब यूरोपियंस ने अटैक करा अफ्रीका में क्योंकि वहाँ के जो बहुत सारे लैंड है और मिनरल्स है उनको वो चुरा सके, ठीक है। जो हैवी टैक्स थे वो इम्पोज कर दी गई लोगों पे जिस वजह से जो लोगों की वेजेस, प्लांटेशन और माइंस जो है वो उसमें थोड़ा थोड़ा उनको लग रहा था कि कुछ होगा। जो इनहेरिटेंस लॉज थे वो चेंज हो गए ताकि पीजेंट्स डिस्प्लेस ना हो जाए, ठीक है, फ्रॉम वन मेंबर टू द अदर। जो माइन वर्कर्स थे वो कन्फाइंड थे कंपाउंड्स में और वो किसी को भी फ्रीली मूव नहीं करने दे रहे थे, ठीक है। फिर आती है रिंडरपेस्ट और डेविडेटिंग कैटल डिजीज़। सो रिंडरपेस्ट आती है अफ्रीका में लेट 1880s के टाइम पे जिसकी वजह से जो ब्रिटिश हिस्से की कैटल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ये बीमारी जो है ये जंगल में लगी आग की तरह फैल रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे लगभग 90% कैटल जो है रिंडरपेस्ट के वो रिंडरपेस्ट की वजह से जो है वो मर चुके थे, ठीक है। कैटल डिस्ट्रॉय हो गई अमेरिकन लाइवलीहुड से बिकॉज ऑफ जो प्लांटर्स थे, माइन ओनर्स थे और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे वो मतलब उनकी उनके कोई सुन नहीं रहा था, ये सारे जो है वो अपने ही चला रहे थे, ठीक है। इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, इंडेंचर लेबर क्या होता है, जिनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा होता है, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। क्या बोलते थे, इंडेंचर लेबर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट टू साइड्स ऑफ नेचर ऑफ द 19th century वर्ल्ड,
ठीक है। 19th सेंचुरी में काफ़ी सारे लोग जो थे इंडियन के और चाइनीज लेबर्स, उनको प्लांटेशंस और माइंस में भेज दिया गया, ठीक है। और जो रेल और रोड और जो रेलवेज थे, वो और ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है। इंडियन काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जगह से, इंडिया में भी, इंडिया के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आए, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो मिड 19th सेंचुरी में ये जो रीजन्स थे, इनको काफ़ी सारे चेंजेस फेस करने पड़ रहे थे बिकॉज ऑफ टीचर एज वेल, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। सो ऑल दिस एक्सेप्टेड द लाइफ्स ऑफ द पुअर, ठीक है। सो अब जो गरीब लोग थे वो क्या कर सकते थे, उनको यही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, और लोगों को जो है मतलब बहुत ही डीपली इन डेप्थ हो रहे थे, और लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है। सो ये सारी जो भी चेंजेस थे वो काफ़ी मतलब हिट करे लोगों को, लोगों ने जो है वो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जो मेन डेस्टिनेशंस थी इंडियाज की, वो कैरेबियन आइलैंड की तरफ माइग्रेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। त्रिनिदाद, गुयाना, सुरीनाम, मॉरिशस और फिजी जैसी जगह पे जो है वो लोगों ने जाना शुरू कर दिया, ठीक है। जो इंडियन जो वर्कर्स थे वो भी रिक्रूट, उनको काफ़ी को रिक्रूट कर दिया गया, ताकि वो मतलब जो प्लांट, जो टी प्लांटर्स है आसाम में, उधर जाके काम कर सके, मतलब ठीक है, उनके उस पोजीशन के लिए उनको रिक्रूट कर दिया गया था। सो उस टाइम पे बहुत ही छोटी छोटी कमीशन उनको पे किए जा रहे थे, और वो ना वो एस्केप कर सकते थे बिकॉज उनके पास इतनी प्रॉवर्टी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो उनके पास जो है पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि वो अब गरीब नहीं होंगे यहाँ से जाने के बाद। बट लोगों की गलतफहमी थी बिकॉज ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव था वो था अपना प्रॉफिट बनाना, ठीक है। तो जो माइग्रेंट्स थे वो सी वोयाज को मतलब की तरफ से जा रहे थे, और कुछ मतलब और कुछ तो जबरदस्ती ही उनको माइग्रेंट बना दिया गया फोर्सफुली, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे थे जो अपनी ये जगह छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे, बट उनको जाना पड़ रहा था। 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी इंडस्ट्री में एक नया सिस्टम आता है स्लेवरी का, ठीक है। सो यहाँ पे जब प्लांटेशंस आती हैं, जो लेबर्स थे उनको एक कंडीशन दी जाती थी, ठीक है, फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन, जो कि उन्होंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, ठीक है। उनकी जो लिविंग और वर्किंग कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थी, और उनको कोई मतलब बहुत ही कम उनके पास जो है लीगल राइट वो रह गए थे, ठीक है। बट वर्कर्स थे वो डिस्कवर कर रहे थे अपना ऑन तरीका कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। लोगों ने जंगलों में भागना शुरू कर दिया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के कल्चरल रिफॉर्म्स थे, ठीक है, उन्होंने खुद को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक। सो त्रिनिदाद, जो कि त्रिनिदाद में एक एनुअल मुहर्रम पोजेशन हो रहा था, जिसकी वजह से जो एक मतलब रेटेस कार्निवल हो रहा था जिसका नाम था होसे, ठीक है, जिसमें काफ़ी हर एक रेस और रिलीजियस के लोग जो वर्कर्स थे उन्होंने ज्वाइन करा, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, और उन्होंने बोला कि जो भी सोशल और कल्चरल लिंक्स है इंडियन माइग्रेंट्स के करीबन, इनकी जो मतलब वो उनको वो बना दिए गए थे उस टाइम पे, ठीक है। सो ज़्यादातर जो इंडियन वर्कर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, और जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता था वो फिर भी स्टे करते थे, उनको करना पड़ता था, वो जबरदस्ती उनको रोक के रखते थे, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल थे जो जो कि इंडियन डिसेंट के थे इस कंट्री में, ठीक है। जैसे हमने नोबेल प्राइज़ विनिंग जो एक नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर है जिनका नाम है V.S. नईपुर, कुछ इन्हीं के जो है वो एक्सप्लोइट्स थे। वेस्ट इंडिया क्रिकेटर शिवरानी चंद्रपोल एंड रामनेश्वर सरवन, अगर इनके नाम जो है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सुनने में जो है इंडियंस लग रहे हैं इन, बट बिकॉज उनके जो डिसेंडेंट थे वो इंडिया के थे, बट वो जो है माइग्रेट करके जो है वो वहाँ पे चले गए और वहीं पे बस गए, ठीक है। फ्रॉम 1900s जो इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इस सिस्टम का अपोज करना शुरू कर दिया कि लेबर जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव और क्रूल होता है, बट ठीक है, और जो है उनकी बात मान भी ली गई थी 1921 में। अब सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि जो पीपल थे इंडिया के वो अब्रॉड सिर्फ काम करने ही गए थे एज अ स्लेव, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स भी थे। जैसे जो इंडियन बैंकर्स थे, जैसे हमें पता होगा शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नट्टू कटोई चेतरास,
चेतियार्स। सो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स थे बैंकर्स के और ट्रेडर्स के, ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट कल्चर और जो सेंट्रल और सदर्न एशिया है इनको फाइनेंस करने में सपोर्ट करते थे। इनका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, वो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे भी ये लोगों को जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक है। और जो भी इंडिजिनियस ग्रुप्स है को ऑर्गेनाइजेशन के, ये इनके डेवलपमेंट में भी काम करते थे, ठीक है। जो इंडियन ट्रेडर्स और जो भी मनी लैंडर्स थे, वो यूरोप यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को उन्होंने फॉलो किया इंटर अफ्रीका। और जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे, वो भी जो है मतलब यूरोपियन कॉलोनीज के बियॉन्ड जो है वो भी मतलब वेंचर अपने कर सकते थे, ठीक है। इंडियन ट्रेड कॉलोनाइज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। हिस्टोरिकली जो फाइन कॉटन है वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। जो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर थे वो भी उस टाइम पे बढ़ रहा था, ठीक है। बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने ना प्रेशर करा, जिसकी वजह से जो है कॉटन के कपड़ों का इंपोर्ट वो बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। जो टैरिफ्स थे वो इम्पोज किए जाते हैं उन सारे कपड़ों के जो ब्रिटेन में आते थे, जिसकी वजह से जो है इंडियन फाइन कॉटन का जो इनफ्लो है वो मतलब घटने लगता है, ठीक है। अर्ली 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, वो सोचते हैं कि ओवरसीज देखो हमारी मार्केट की कितनी मतलब हमारे मार्केट हमारे जो कपड़ा है उसमें मतलब कितना डिमांड आ रहा है, ठीक है। एक्सक्लूसिव। सो अगर हम फिगर्स पे देखें एक्सपोर्ट में फ्रॉम इंडिया, सो उस टाइम पे 30% जो है वो 1800 के अला टाइम पे था, और 15% आ गया था 1815 में, ठीक है। और 1870 जाते आते ये प्रपोर्शन जो है ये सिर्फ 3% रह गया था, ठीक है। 1812 और 1871 के बीच में जो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स का शेयर था वो बढ़ गया था, 5 to 35% वो हो गया। और इंडिगो जो डाइंग मतलब कपड़े को रंग करने के काम आता था, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट हो गया था काफ़ी डिकेट्स तक, ठीक है। चाइना काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा था 1820s में, और हैज टू बिकम फॉर अ वाइल इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स। सो ब्रिटेन थे, उन्होंने मतलब उन्होंने ओपियम बनाया इंडिया के लिए और एक्सपोर्ट करा चाइना में, ठीक है, विद द मनी जो कि उसके पास सेफ था। उसके बाद उन्होंने टी और चाइना से और इम्पोर्ट्स के लिए जो है वो फाइनेंस को यूज़ करा। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने इंडियन मार्केट में जो है वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स भर भर के रखे हुए थे, ठीक है। बट जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है वो इंडिया मतलब जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की वैल्यू थी इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश इम्पोर्ट्स के मतलब जिसकी वजह से जो ब्रिटिश इम्पोर्ट्स आ रहे थे इंडिया पे, उसकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। दस द ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सप्लायर विद इंडिया, और इसकी वजह से सभी कंट्रीज़ को लगने लग गया था कि इंडिया ब्रिटेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो किसी भी कंट्री डिफिसिट या कोई भी अदर कंट्री होती थी, ठीक है, वाई सरप्लस एंड थर्ड कंट्री। द इंटर वॉर इकोनॉमी। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कि यूरोप में लड़ी गई थी, ठीक है, इसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ था, मैंने पहले भी बताया। तो देखते हैं वॉर टाइम में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे कि हमें पता है दो पावर ब्लॉक्स थे जो कि थे अलाइज, जिसमें थे ब्रिटेन फ्रांस रशिया, ठीक है, और दूसरे साइड थे सेंट्रल पावर यानी कि जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। तो वॉर जो है वो शुरू हुई थी अगस्त 1940 में, और जो गवर्नमेंट है उन्हें लगा था कि क्रिसमस तक बंद हो जाएगी, बट ये 4 साल तक चली थी, ठीक है। ऐसी कोई और जो है वो लड़ाई नहीं हुई थी। इस फॉटिंग में दुनिया की जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस है उन्होंने भी जो है वो पार्ट लिया, ठीक है। लड़ाई लड़ने के लिए काफ़ी सारे सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और उन्हें लार्ज शिप के फ्रंटियर्स में भेज दिया गया और ट्रेन्स में भी, ठीक है। उस टाइम पे ये डेथ और डिस्ट्रक्शन की वजह से जो मतलब डिस्ट्रक्शन और डेथ के जो स्केल होती थी वो 9 मिलियन होती थी, और आज के टाइम पे जो है 9 मिलियन डेड और 20 मिलियन इंजर्ड उस टाइम पे बताई गई थी। बट ये उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा अनथिंकेबल था कि ऐसा कैसे हो सकता है विदाउट द यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल आर्मी।
ज़्यादा लोग मर गए, काफ़ी जो है मतलब मैन थी, काफ़ी वुमेन थी, काफ़ी बूढ़े लोग थे, बट ये सब कुछ हो गया और अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग द वॉर जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करा ताकि वो वॉर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, उस टाइम पे जो मैन थे वो लड़ाई के लिए जाते थे, वुमेन्स अपने घर का काम किया करती थी जो कि डाटा लियर, और जो वो जॉब करती थी जो पहले जो है वो मैन क्या करते थे। ठीक है, वॉर की वजह से इकोनॉमिक लिंक्स में स्नैप आ गया था। ठीक है, जो ब्रिटेन थे जो कि उन्होंने बोरो करना शुरू कर दिया मनी फ्रॉम द यूएस बैंक्स एज वेल एज द यूएस पब्लिक, दस द वर्ब वो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम यूएस एंड बींग एन इंटरनेशनल क्रेडिटर, इंटरनेशनल क्रेडिटर्स मतलब जो यूरोप था वो इंटरनेशनल क्रेडिटर था, यानी कि सभी को सॉरी इंटरनेशनल डेटर था, यानी कि सभी को कर्ज दिया करता था, बट अब जो है वो सभी से कर्ज लेने वाली ज़मीन और जगह जो है वो बन चुकी थी। ठीक है, ब्रिटेन में जो कि वर्ल्ड की सबसे लीडिंग इकोनॉमी थी प्री प्री वर्ल्ड वॉर में, पर्टिकुलरली फेस्ड अ प्रोनो अ प्रोलॉन्ग साइट। ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने प्री वॉर को प्री ऑक्यूपाई कर दिया था। ठीक है, तब इंडस्ट्रीज के पास टाइम था कि वो इंडिया और जापान को डेवलप कर सके। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो भी रही थी। ठीक है, जब ब्रिटेन के साथ लड़ाई हुई तो चीज़ें इस तरह से कैप्चर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो उस टाइम पे इंडियन मार्केट में हम जो जापान के साथ इंटरनेशनली कंपीट कर रहे थे, जिसका मतलब था कि वॉर के एंड होगी एक बहुत ही मतलब एक्सटर्नल ह्यूज डेट के साथ, ये जो है लोगों को समझ आ गया था। ठीक है, वॉर की वजह से जो इकोनॉमिक बूम हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड प्रोडक्शन और एम्प्लॉयज जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। सेम टाइम में गवर्नमेंट ने जो भी ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर्स थे उनको रिड्यूस कर दिया और उनको पेस टाइम रेवेन्यूज़ में लाइन दे दी गई। ठीक है, मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वर ऑल्सो इन क्राइसिस, जैसे कि अगर हम वीट प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वॉर के पहले ईस्टर्न यूरोप की जो मेजर सप्लाई थी वीट वो थी वर्ल्ड मार्केट से आया करती थी। ठीक है, जब ये सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट जो ये सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वॉर के टाइम पे, ठीक है, तो वीट प्रोडक्शन था इन कैनेडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने डोमेटिकली बताया कि इन वॉर की वजह से हम नहीं चाहते थे कि हमारी भी मतलब बदनामी हो वगैरह वगैरह। ठीक है, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन, सो यूएस इकॉनमी रिज्यूम हो चुकी थी एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के साथ अर्ली 1920s में। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यूएस इकॉनमी जो है वो 1920s में मास प्रोडक्शन करने लग गई थी। ठीक है, मतलब बहुत ही लार्ज जगह पे जो है वो चीज़ों को बनाया जाने लग गया था। ठीक है, एक काफ़ी वेल नोन पायनियर है जिनका नाम था वेल नोन पायनियर थे किस चीज़ के लिए, मास प्रोडक्शन के। ठीक है, जो कि कार मैन्युफैक्चरर थे हेनरी फोर्ड के। फिर उन्होंने रियलाइज़ करा कि असेंबली लाइन मेथड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर और चीपर वे, ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीका निकालने लगे और उन्होंने जो है एंड में सॉल्व कर दिया था। ठीक है, कार प्रोडक्शन जो यूएस का था वो 2 मिलियन से 1919 में 2 मिलियन था और 1929 में 10 साल में 5 मिलियन बन गया, और उसके बाद काफ़ी रिफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियोज, ये सारी चीज़ें भी जो है वो इंट्रोड्यूस होने लग गई थी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो थी ये मिडिल क्लास के लोग भी जो उस टाइम पे ख़रीद रहे थे ताकि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ लगे। ठीक है, जो हाउसिंग थे और जो कंज्यूमर बूम्स थे 1920 में वो यूएस की प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड थे। ठीक है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो हाउस होल्ड या हाउसिंग गुड के लिए ही हुआ करते थे। ठीक है, सो एक साइकिल बन जाती थी, हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, रेजिंग कंपेंशन डिमांड, मोर इन्वेस्टमेंट एंड इट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड रेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। द ग्रेट डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन था वो 1929 में हुआ और 1930s तक रहा था। ठीक है, सो इस टाइम पे जो वर्ल्ड थी वो एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइंस
फील कर पा रही थी, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक्स और ट्रेड, ठीक है, जो एग्जैक्ट टाइमिंग थी और इम्पैक्ट था इस डिप्रेशन का, वो पूरी कंट्री में फील हुआ था। बट जनरली जो एग्रीकल्चर रीजन और जो कम्युनिस्ट थे उनको सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ से इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। सब देखते फर्स्ट ऑफ ऑल में इकोनॉमी कितनी फ्रेजाइल थी। फर्स्ट जो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन है, ये प्रॉब्लम है क्योंकि एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से चीज़ें वेस्ट भी हो रही थी, ठीक है। सेकेंड में 90s में काफ़ी कंट्रीज थी, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कराया थ्रू लोन्स एंड फ्रॉम द लोन्स फ्रॉम US, ठीक है। सो US लोन दिया करता था और ये लोग लोन लिया करते थे। जो US के ओवरसीज लेंडर्स थे वो पैनिक हो जाते हैं एट द फर्स्ट साइट ऑफ द ट्रबल। ओवरसीज लॉस्ट अमाउंट टू ओवर $1 बिलियन, ठीक है। जो US थी वो भी एक इंडस्ट्रियल कॉस्ट थी, ठीक है, जो भी डिप्रेशन की वजह से जिसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गई थी। बट फार्मर्स जो थे वो अपनी चीज़ें हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट कर सकते थे बट बेच नहीं सकते थे, ठीक है। वो अपने घर पे ही जो उनको रखना पड़ता था और चीज़ें जो ख़राब हो रही थी और बिजनेस जो है वो ठप होते चले जा रहे थे, ठीक है। सो उस टाइम पे लोग अपने होम्स, अपने कार्स और अपने अदर जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है वो बेचना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। सो अगर हम देखें कि इस डिप्रेशन का इंडिया में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो हमें रियलाइज़ होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है 20th सेंचुरी में कि जो भी होता है वो बाकी वाली कंट्री को भी इफेक्ट करता है, चाहे वो उनकी लाइफ हो, इकोनॉमीज हो, सोसाइटीज़ हो या कुछ और हो, ठीक है। सो 19th सेंचुरी में जैसे हमने पढ़ा कि कॉलोनियल इंडिया जो है वो एक एक्सपोर्टर बन चुका था एग्रीकल्चर गुड्स का और इम्पोर्टर बन चुका था मैन्युफैक्चरर्स का, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन था इसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ चुका था, ठीक है। इम्पोर्ट्स जो है वो हाफ हो चुके थे 1928 से लेकर 1934 के बीच में। जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे वो बढ़ गए। प्राइसेस इन इंडिया ऑल्सो प्लग बिटवीन 1928-1934। वीट के प्राइसेस जो है 50% तक बढ़ चुके थे, ठीक है। प्लांटर्स और जो फार्मर्स थे उनको और ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ठीक है, मोर देन द अर्बन ड्वेलर्स। जो पीजेंट्स थे वो वर्ल्ड मार्केट को और ज़्यादा मतलब जब प्राइस बढ़ रहा था तो उनको और ज़्यादा बुरे तरीके से जो चीज़ें वो हिट हो रही थी, ठीक है। अब वर्ल्ड इकोनॉमी को रीबिल्ड कैसे किया गया एंड द पोस्ट वॉर एरा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और मतलब दो डिकेड्स में, ठीक है, मतलब फर्स्ट वॉर ख़त्म होने के दो डिकेड में, तो जो एक्सिस पावर्स थे और जो एलाइज पावर्स थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। वंस अगेन बहुत सारी डेथ डिस्ट्रक्शंस हुई, एटलीस्ट 60 मिलियन पीपल मर गए और 3% लोग जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 3% था, ठीक है। यूरोप और एशिया के पास बड़े बड़े जगहों पे बहुत ही डिवास्टेशन हो रही थी, काफ़ी सिटीज़ जो थी वहाँ पे एरियल बॉम्बार्डमेंट और रेंटलेस इलेक्ट्रिक अटैक्स हो रहे थे, ठीक है। उसमें से फर्स्ट वॉज द US एमरजेंसी एज अ डोमिनेंट इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो जो सेकेंड था वो था डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। इंटर वार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस को अगर हमें समझना है तो इसके दो की लेसन है। फर्स्ट कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो मास प्रोडक्शन पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज सस्टेनेबल नहीं होगा जब तक मास कंजप्शन नहीं होगा, ठीक है, और इकोनॉमिक्स को स्टेबल होना चाहिए। और जो मार्क्स थे वो सिर्फ मतलब जो मार्केट्स थे वो सिर्फ पूरे फुल एम्प्लॉयमेंट को गारंटी नहीं कर सकते थे, बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ होती है जिनके बारे में भी ध्यान देना होता है। जो सेकंड लेसन था वो कंट्रीज़ की इकोनॉमिक लिंक्स और आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेटेड था, ठीक है। जो गोल था फुल एम्प्लॉयमेंट का वो ये था कि गवर्नमेंट को का जो फ्लो ऑफ गुड्स है, कैपिटल और लेबर है, वो रुके ना, वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहे, ठीक है। इसका जो फ्रेमवर्क था वो एग्री कर दिया गया था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि हुआ था 1948 में ब्रेटन वुड इन न्यू हेमिस्फीयर USA। सो जो बेटर फिट कन्फरेशन था वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसमें एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है, वो सेटअप किया गया। IMF और वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की तरह उनको रेफर किया जाता था, ठीक है, समटाइम द ब्रेटन वुड ट्विंस। जो IMF थे और जो वर्ल्ड बैंक थे उन्हें मतलब फाइनेंशियल ऑपरेशंस
कर रहे थे वो 1947 में, ठीक है, जो यूएस थे उनका इफेक्टिव राइट था, और वो मतलब वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस के लिए जो है वो वोट कर सकते थे। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम है वो सिस्टम था जिससे काफ़ी नेशनल करेंसीज और मॉनिटरी सिस्टम जो है वो कनेक्ट होता है आपस में, ठीक है। जो डॉलर है वो मतलब डॉलर से जो है गोल्ड का प्राइस को फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, मतलब अगर 35% आउंस अगर पर आउंस जो है गोल्ड का वो रुपीज़ डॉलर 35 में आएगा तो डॉलर 35 में ही आएगा। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड था वो एनुअली मतलब 8% ज़्यादा ग्रो हो गया था बिटवीन 1950 से 1970, ठीक है, और जो इनकम्स थी वो नियरली सिर्फ 5% जब रह गई थी। डेवलपिंग कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। डिकलनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, कुछ मतलब 2 सालों में एशिया और अफ्रीका जैसी जगहों पे कॉलोनाइज किया गया था, बट वो फ्री उनको डिक्लेयर कर दिया गया था। जो इंडिपेंडेंट नेशन थे जैसे कि उनको ओवर ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया था बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी बहुत बढ़ रही थी और लोगों को वो भी हटाना था। जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक थे वो बाकी जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है उनके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो बनाई गई थी, ठीक है, बट यूरोप और जापान में जहाँ पे बहुत ही रैपिडली उनकी इकोनॉमिक्स को रीबिल्ड कर दिया जाता था वो लेस डिपार्टमेंट बनाते थे IMF और वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, ठीक है। मतलब लेट 1950s में जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन थी उसकी वजह से शिफ्ट आई थी अटेंशन में, ठीक है, टूवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज। सो जो कलोनीज थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेस डेवलप्ड थी कुछ, और कुछ में से जो है उनका मतलब वेस्टर्न एम्पायर में थोड़ा थोड़ा जो है वो पार्ट वो हुआ करता था, ठीक है। काफ़ी जगह के बाद भी मतलब काफ़ी ईयर्स के बाद भी डिकोलोनाइजेशन के जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर थी वो अभी भी कंट्रोल में थी, सच एज मिनरल, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो जो ये जगह छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। वेस्टर्न इकोनॉमीज एक्सपेंड हो गई 1970s और 1960s में, और उन्होंने ऑर्गेनाइज करा खुद को एज द ग्रुप ऑफ 77, ठीक है। ये जो डिमांड थी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर की और जो NIO थी उनका मतलब ये था कि रियल कंट्रोल दिया जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है, उनको बेटर एक्सेस मिलेगा ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब एंड ऑफ ब्रिटन वुड एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, 1960 में जो राइजिंग कोर्ट्स था ओवरसीज का उसकी वजह से US की जो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी और उनकी कंपिटेटिव स्ट्रेंथ भी कम हो रही थी। अब US डॉलर की इतनी ज़्यादा कमांडेड कॉन्फिडेंस नहीं रही थी और एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी, ठीक है, सो अपनी वैल्यू वो नहीं मेंटेन करके पा रहा था गोल्ड, ठीक है। सो फिक्स एक्सचेंज का सिस्टम जो है वो भी कोलैप्स हो गया और फ्लोटिंग एक्सचेंज जो है वो भी चल पड़ा था, ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। हमने पढ़ लिया, ठीक है। सो मिड 1970s में वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी हाई हो गई थी चीज़ें अंटिल 1970s में जो MNCs थी वो भी जो है शिफ्ट प्रोडक्शन और लो वेजेस में एंशियन कंट्रीज के लिए जो ऑपरेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। चाइना जो है वो हट गया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकॉनमी से जब उनका रेवोल्यूशन हुआ था 1949 में, ठीक है, बट जो इकॉनमीज थी चाइना और सोवियत यूनियन की वो जो है कोलैप्स, बट द न्यू यूनियन सोवियत की वो मतलब काफ़ी कंट्रीज में उन्होंने लाई बट वो जो इतनी कुछ खास चली नहीं, ठीक है। सो वो एक अट्रैक्टिव रेस्ट्रिक्शन हो गया था इन्वेस्टमेंट का फॉरेन में MNC के जो कॉम्पिटिटिव हैं उनके खिलाफ, ठीक है। सो लास्ट डिकेड में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है और जो ज्योग्राफी है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है जैसे इंडिया चाइना और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज पे, ठीक है। सो दैट इज फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।